हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं एक और हेल्दी ड्रिंक रेसिपी, जिसे पीने से हमारी एनर्जी बूस्ट होती है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। साथ ही ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, टेस्टी है, इसे बच्चे ही नहीं बड़े भी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ऐसे टेस्टी हेल्दी इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक के लिए मैंने लिया है कुछ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में यहाँ पर मैंने लिया है बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश, अंजीर और कुछ छुआरे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस से कोई भी ले सकते हैं, और ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया एक बाउल, उसमें मैंने डाला है काजू, किशमिश, बादाम और पिस्ता। डालकर मैंने वॉश कर रही हूँ, आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे भी भिगा के रख सकते हैं। मैं पानी डाल के इन्हें अच्छे से वॉश कर रही हूँ। वॉश करके इसको हम भिगा के रखेंगे। उसके बाद मैं अंजीर भी ली हूँ, अंजीर को भी सेम वैसे ही मैं अच्छे से वॉश करके इनको भी भिगाऊंगी। और जो हमारे छुआरे हैं, इसके अंदर बीज होता है, तो इस तरीके से इसको तोड़कर इसमें से हम लोग बीज निकालेंगे, उसके बाद भीगने के लिए रख देंगे। ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ऐड कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने खजूर का भी यूज़ किया है, बट वो हम लोग बाद में देखते हैं। अभी मैंने सारे छुआरे को तोड़ के उनके बीज निकाल लिए, अब हम इन्हें भीगने के लिए रख देंगे। इनको मैं ओवरनाइट भीगने के लिए रख दे रही हूँ। आप चाहो तो इसे 3 घंटे भी भिगा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप गर्म पानी में इसे आधे घंटे के लिए भिगा कर यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने पानी डाल दिया है, पानी डाल के इसे मैं ओवरनाइट सोक करने रख दे रही हूँ। अगर आप छोटे बच्चे के लिए बना रहे हो तो एटलीस्ट इसे 4 घंटे भिगाना, उसके बाद ही इसका शेक बनाना और यूज़ करना। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप देख सकते हैं सारे ड्राई फ्रूट्स एकदम अच्छे से भीग के दुगने हो गए साइज में। अंजीर भी एकदम अच्छे से फूल गया है, मतलब सारे ड्राई फ्रूट्स रेडी हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैंने लिया है ये खजूर। खजूर ये सीडलेस है, उसके अलावा थोड़ा सा हनी, हनी कम्प्लीटली ऑप्शनल है। उसके अलावा मैंने गाय का दूध यूज़ किया है। अभी मैंने लिया है एक ग्राइंडिंग जार लेकर इसके अंदर मैं 1 by 1 सारे ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। ड्राई फ्रूट्स डाल के हम इसको ग्राइंड करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे मिल्क का यूज़ किया है, अगर आपको दूध नहीं यूज़ करना है तो आप बिना दूध के भी बना सकते हैं, बिना दूध के भी ये बहुत अच्छा लगेगा। और जो हनी है वो कम्प्लीटली ऑप्शनल है, क्योंकि इसमें हम लोग इतने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं, खजूर डाल रहे हैं, तो इसका टेस्ट ऐसे ही मीठा लगता है। अब मैं यहाँ पे अंजीर भी डाल रही हूँ, और ये पानी हमें फेंकना नहीं, ये पानी भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। या तो आप इसको शेक में डालो या ऐसे ही पी लो, फेंकना नहीं है। अब उसके बाद ये जो खजूर है इसको मैं छोटे टुकड़ों में काट कर डाल रही हूँ, डेट्स को। इसमें सीड्स नहीं है इसलिए मैं ऐसे तोड़ के डाल रही हूँ। अगर आपके खजूर थोड़े से हार्ड है तो आप उन्हें भी भिगा के डाल सकते हैं। उसके बाद अभी मैंने थोड़ा सा दूध डाला है ताकि ग्राइंड करने में आसानी हो। अब मैं इसको ढक्कन लगा कर थोड़ा थोड़ा दूध या पानी ऐड करके इसको अच्छे से ग्राइंड करना है। अभी मैंने इसको एकदम अच्छे से स्मूथ ग्राइंड कर लिया। आप देख सकते हैं ये एकदम चिकना है। अगर आप बड़े इंसान के लिए बना रहे हो तो थोड़ा दरदरा रहने से भी चलेगा, बट अगर आप छोटे बच्चे के लिए बना रहे हो तो अच्छे से ग्राइंड करना। अब मैं इसमें बाकी बचा हुआ दूध डाल के मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद आपको इसकी क्वांटिटी जितना बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी या दूध ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने थोड़ा सा इसमें पानी भी डाला है। ये एक क्विक एनर्जी ड्रिंक है, इसे आप व्रत या उपवास के दौरान भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये बन चुका है, मैं इसको निकाल रही हूँ सर्विंग ग्लास में। निकालने के बाद अगर आपको मीठा पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा हनी ऐड करना, अदरवाइज आप इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। हनी डाल के उसके बाद मैं इसे गार्निश करूँगी कटे ड्राई फ्रूट्स के साथ। अब आप भी ये हेल्दी इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक बनाइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।